तो भारत का इतिहास यह कहता है कि भारत चंद्रगुप्त मौर्य का देश, भारत सम्राट अशोक का देश है और वो सब हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने जिनके राज के तहत सफल भारत हुआ करता था। आज की सरकारें राज के दल तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत बनाने की, लेकिन हमारे पूर्वज ने अपने रीत और अपने खून से सींचे इस भारत की सीमाओं को सफल भारत तक पहुंचाने का काम किया और राज किया हमारे भारत पे। उनके नाम का झंडा और गड्ढा पूरी दुनिया में उनके सोने के हिसाब दी जाती है। जब आप इतिहास पढ़ोगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आज से 2000 साल पहले जब मौर्य वंश हुआ तो मौर्य वंश ने भारत में एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था दी कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बुद्ध का देश है, यह सत्तर हजार गुरु नानक देव संत कबीर का देश है, यह देव नारायण भगवान का देश है, यह फूले साहू पेरियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बिरसा मुंडा का देश है और विश्व भी अवसर मिला। उन्होंने प्रयास यह किया कि भारत में मानव जाति के हित के लिए काम। जब आप अपने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पूर्वजों के राज था तो देश में रहने वाली अंतिम आबादी को भी न खाने की समस्या थी, न पीने के लिए साफ पानी की समस्या थी, न धन की समस्या थी, न और कोई तरह का चोरी का जानवर का बार डर भाई कोई परेशानी नहीं थी, ना ही किसी महिला का अपमान होता था, ना ही किसी बहन बेटी को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकता कमजोर होती गई, हमारे राज खत्म होते गए, एक समय ऐसा आया कि जो लोग राज करते थे वो अधिकारों से षड्यंत्र के द्वारा वंचित कर दिए गए। फिर एक लेबर पैदा हुए, उन्होंने गुलामी को काटने के लिए अपना पूरा जीवन और अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी और फिर देश के लोगों को स्वाभिमान सम्मान और अवसर से जीने के लिए भारतीय संविधान दिया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा देश जो भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी अवसर और सम्मान का जीवन देता है। देश की महिलाओं को जहां पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, उन महिलाओं को डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस यहां तक कि सरपंच और विधायक और मंत्री बनने का अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार देता। देश के एससी एसटी को, ओबीसी को जिनको वंचित रखा गया उनको नए अवसर देता है। लेकिन समाज साथियों वो अवसर तब प्राप्त हो गए क्योंकि आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं राजस्थान की बात करता हूं, कभी किसी की सरकार बनवाते हो कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसानों जैसा स्वाभिमान सम्मान अधिकारों के साथ जीने का अवसर राजस्थान में प्राप्त हो रहा है। उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके तो मैं छुपानी पड़ी। आपको इंदर मेघवाल याद होगा जिसको मटकी से पानी पीने से अपनी जान देकर जो है कि मैं छुपानी पड़ी। आपको होगा अंदर मेघवाल याद होगा कि न्याय नहीं मिलने पे उस मेरे छोटे भाई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी सोसाइटी और मुझे पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आगे करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भी याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, हत्यारे आराम से ट्रेन से।
के और नेताओं की सुरक्षा बल के खड़े हुए हैं। ऐसे राजस्थान में जी रहे आप लोग, मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शर्म हो जाएगी। यहां मैं कहूंगा कि नौजवान पूछे पूछे कि आजाद भारत में आपको सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ क्या आप जो बहन मजदूरी करते हो और 12 साल में पहले राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का तरीका दिया तो फिर आपकी जवानी आपका संघर्ष अंदाजी क्यों नहीं है? याद करो इतिहास पहले राज्य महाराज ने तलवार भालों से घोड़े हाथों में मुस्त बैठ के युद्ध होते थे, जाने जाते निकल जाकर राज्य व्यवस्था परिवर्तन होगी। आज आप यहाँ जमीन पर अपने वापस लिए, आपने दूसरी सरकार को बदलने के लिए इनकी सरकार बनाई और इनकी सरकार ने क्या किया? आप मुझसे प्यार करते हो, आप हिमाचल से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, तो मुझे साथ ये किया सरकार ने कि जब मैं सिर्फ से भी भाई रहने के लिए आया भाइयों बहनों की, तो 4 दिन यहाँ की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। मुझे रात को होटल में सोते हुए तो और चुपचाप आकर के हमारा साथ चलना पड़ेगा, ले जाकर निर्दोष होकर मेरे साथ में वो मुझे जेल में डाल दिया। ये दिया यहाँ की सरकार ने आपके भाई को और आपके स्वाभिमान सम्मान को। जब मैं यहाँ जालौर की घटना में पालने की घटना में आता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर लेते हैं। 12-12, 14-14 घंटे में आप फोन के आंसू रोकर निकल जाता है वापिस। इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन तो मेरे लोग के दिल में आग उठेगी और वो इन दिनों में मेरे सरकार को भरोसे देना छोड़कर अपने अंदर दम पैदा करके अपने दम पे आग खड़े होने का काम करेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन्होंने अपनी मान्यताओं में उन्होंने देवियां देखी हो, जिन्होंने अपने बुजुर्गों में अपने भाइयों में अपना भगवान देखा, उनको तो तकलीफ होने लगी। मेरा स्नेह खंडीय कोटा संभाग के मेरा साथियों, मैं जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूँ कि आजाद भारत है, हमें अधिकार है, हम इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरे साथियों, हमें गुलामी की कड़ी लगन करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, जब हम वोट के जरिए दूसरों की सरकार बना सकते हैं, क्यों ये बार बार था, क्यों आपके फोन में वो ताकत पैदा करना और अपने भाई की इज्जत की रक्षा करना चाहते तो आना 12 फरवरी को, और ऐसा जन सैलाब निकल के आया शोषितों का, राजस्थान तो वो धरती है जिस धरती के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया में लिखी जाती है। राजस्थान तो वो धरती है जो रेती की बंजर भूमि से जो है अनाज पैदा करके अपना पेट भरती है। ये हमारे संभागों की पहली रैली है। इसके बाद माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और तमाम टीम के नेतृत्व में अन्य जगह भी जो है रैलियां होंगी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए ये अपील पहले से दोहरा दे रहा हूँ कि आज तो याद रहे कि जिस दिन जयपुर का बुलावा आएगा तो सिर्फ आपको बुलावा देने के लिए आया, कि जिस दिन स्वाभिमान सम्मान और हक अधिकार और अपने वजूद को बचाने के लिए जयपुर में सभा होगी, उस दिन आप में से कोई घर ना रहे और जो यहाँ आया है वो कम से कम 10-10 सदियों को जयपुर लेकर आने का काम करें। हमारे लोग बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। देखो गौर करना, मैंने अपने नेता आदर्श मान्यवर साहब का श्राम से सीखा कि एक जाति एक समाज से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा पैदा करके और एक दूसरे के लिए खून देने जैसी जो है प्यार और विश्वास को पैदा करना पड़ेगा। मुझे उनके इतिहास के बारे में बताया, मैं गौरवान्वित हूँ कि एक ऐसा इतिहास हमें हमारे महापुरुषों ने अपने खून से दिया। ये जहाँ बिजोलिया किसान धरती है, लेकिन मेरे लोग मेरे को समझना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मान लीजिए सिर्फ भी विद्युत अधिकार
हाथ छीने पड़ते हैं। मेरे पूजा समाज के लोगों ने, मैंने मध्य प्रदेश में बात यहां नहीं कह रहा हूं, यही राजस्थान की धरती पर उनके खून